दोस्तों आज आप एक अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग और नेगेटिव फैक्ट जानोगे। इस वीडियो में कौन कौन से पॉजिटिव फैक्ट्स हैं जिनसे आपकी इन्वेस्टमेंट पर कितना प्रभाव पड़ने वाला है और कौन कौन से नेगेटिव फैक्ट्स हैं। ये प्रोजेक्ट लो राइज और हाई राइज में लॉन्च होने जा रहा है दोस्तों, सेक्टर 76 गुड़गांव के अंदर, और ये प्रोजेक्ट गुड़गांव की तीसरी सबसे प्रीमियम बेल्ट के ऊपर लॉन्च होने जा रहा है। दोस्तों ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल होने वाली है। अगर आपके मन में कोई सवाल है इस प्रोजेक्ट के रिलेटिव, आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर डालें ताकि नेक्स्ट जब हम वीडियो बनाएंगे उसके अंदर आपका जो सवाल है उसका जवाब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देंगे। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक जरूर देखें। सुबह से चिंतन कर रहे हैं और जिसका जो आयोजन है टाउन कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट और हमारे वाइट लैंड जिन्होंने मिलकर के किया है। पहले तो मैं अपने इन विभागों को जिन्होंने आज का आयोजन किया है इनको बहुत बधाई देता हूं कि इस प्रकार का सुंदर एक कार्यक्रम आज आप कर रहे हैं। डेवलपर की, डेवलपर का नाम है व्हाइट लैंड कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी 12 फरवरी 2021 को रजिस्टर्ड की गई। इस कंपनी के शेयर वैल्यू आज की तारीख में 2.5 करोड़ रुपए के हैं। ये कंपनी पहले से ही प्लॉट, हॉस्पिटल, लैंड, अपार्टमेंट इन सभी चीजों के अंदर डील करती है। अब तक इस कंपनी में 2 प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं। पहला प्रोजेक्ट एसयू प्लॉट जो सेक्टर 70 एसपीआर रोड पे किया गया था, जिसकी पोजीशन अप्रैल 2023 तक करने का प्लान है, और दूसरा प्रोजेक्ट सेक्टर 76 ब्लीस विलेज जिसमें लो राइज और हाई राइज लग्जरी फ्लैट लॉन्च करने जा रहे हैं। लो राइज पहले से ही दोस्तों ये लॉन्च हो चुके हैं और हाई राइज प्रोजेक्ट जल्द ही लॉन्च होने जा रहा है। दोस्तों इस कंपनी का एक फैक्ट पॉइंट की बात अगर करते हैं तो जैसे ही इस कंपनी ने अपना दूसरा प्रोजेक्ट लॉन्च किया उसी दिन इस कंपनी पर रेट पड़ गई। रेट पड़ने पर इस कंपनी पर किसी भी प्रकार से कोई असर नहीं पड़ा। जो प्रोजेक्ट लॉन्च होना था उसे बड़ी धूमधाम से लॉन्च किया गया। ज्यादातर डेवलपर जब अपनी जर्नी की शुरुआत करते हैं और उन पर इस तरह की दिक्कतें आती हैं तो मानो वो डेवलपर एक प्रकार से बर्बाद ही हो जाते हैं। दोस्तों इस डेवलपर के बारे में हम पहले भी एक डिटेल वीडियो बना चुके हैं, जिसे आप और गहराई से जानना चाहते हैं तो आप वो वीडियो जरूर देखें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। दोस्तों इस कंपनी के ओनर मिस्टर नवदीप सरदाना जी हैं जो पिछले 12-13 साल से रियल स्टेट एडवाइजर के तौर पर काम कर चुके हैं। इन्होंने गुड़गांव में अपनी शुरुआत एक प्रॉपर्टी एजेंट के तौर पर की थी। ये बेसिकली हरियाणा से ही बिलोंग करते हैं। दोस्तों बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में, उसके बाद हम इस प्रोजेक्ट के नेगेटिव फैक्ट के बारे में बात करेंगे। फैक्ट नंबर 1, क्लियरिटी। इस प्रोजेक्ट में किसी भी प्रकार का कोई कोलैबोरेशन नहीं है। प्रॉपर्टी लाइन के अंदर जब भी कोई प्रोजेक्ट बिना किसी कोलैबोरेटर के आता है वो प्रोजेक्ट एक अच्छे ड्रीम के साथ डिलीवर होता है। फैक्ट नंबर 2, कनेक्टिविटी। इस प्रोजेक्ट की कनेक्टिविटी काफी हम अच्छी मान सकते हैं। वो क्यों? क्योंकि ये सेक्टर 76 चारों तरफ से मेजर रोड की कनेक्टिविटी से घिरा हुआ है। सेक्टर एसपीआर रोड के साथ, एनएचएट के साथ और द्वारका एक्सप्रेस के साथ लगता हुआ सेक्टर 76 आता है। फैक्ट नंबर 3, आईटी हब। सेक्टर 76 एक आईटी हब के साथ कनेक्टेड है। इस सेक्टर के साथ में ही डीएलएफ की साइबर सिटी 2 का प्लान है और साथ में ही अमेरिकन एक्सप्रेस, मारुति सुजुकी, डीएलएफ कॉर्पोरेट ग्रीन जैसे आईटी ऑफिस और औद्योगिक प्लांट वो रनिंग के अंदर है। फैक्ट नंबर अगर 4 की बात करें तो अरावली की पहाड़ियों। दोस्तों जब भी हम किसी प्रकार की प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान करते हैं सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि प्रॉपर्टी के आसपास ऐसा क्या है जो इस सेक्टर और आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू पर इफेक्ट डालेगा। अरावली की पहाड़ियां इस सेक्टर के साथ साथ में है। इसमें गवर्नमेंट ने सफारी पार्क बनाने की योजना बनाई हुई है। आने वाले कुछ टाइम में इस सेक्टर में इस टाइप का इफेक्ट देखने को मिलेगा। दोस्तों फैक्ट नंबर 5, कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट।
इस प्रोजेक्ट में आपको कंस्ट्रक्शन क्वालिटी माइवन से मिलने वाली है। माइवन कंस्ट्रक्शन का बेनिफिट ये होता है, आपको प्रॉपर्टी मजबूत और किसी प्रकार की कोई सीपेज जैसी समस्याएं आपको फेस नहीं करनी पड़ती। इस प्रॉपर्टी को इंडिया के जाने माने हफीज कॉन्ट्रैक्टर इसको डिजाइन कर रहे हैं, जो कि पद्म भूषण पुरस्कार से नवाजे जा चुके हैं। फैक्ट नंबर 6 की बात करें प्रोजेक्ट अमेनिटीज के बारे में। दोस्तों, किसी प्रोजेक्ट को अच्छा बनाने में उसकी मदद करता है वो होती है उसकी प्रोजेक्ट की सुविधाएं। आपको इस प्रोजेक्ट में वो सभी सुविधाएं यूज करने को मिलेंगी जो हम दैनिक जीवन में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि क्लब, स्विमिंग पूल, बास्केटबॉल, क्रिकेट पिच, पूल, जॉगिंग ट्रैक, स्पेसियस गार्डन और भी बहुत सारी सुविधाएं। दोस्तों, आप इस प्रोजेक्ट की कंप्लीट डिटेल लेना चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम जो ग्रुप है उसको ज्वाइन करके ले सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे हमने इस प्रोजेक्ट की रिगार्डिंग काफी डिटेलें दी हुई है। फैक्ट नंबर 7 की बात करें पेमेंट प्लान। दोस्तों, हर किसी का बजट एक समान नहीं होता। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अनुसार इस प्रोजेक्ट में वो सभी पेमेंट प्लान है जिसे आप अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार ले सकते हैं। फैक्ट नंबर 8 ROI, रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट। दोस्तों, हर इंसान प्रॉपर्टी के सेक्टर को इसलिए चुनता है ताकि उसकी इन्वेस्टमेंट सेफ और बेटर हो। उसी प्रकार से इस प्रोजेक्ट में भी आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ और बेटर होने वाली है। इस प्रोजेक्ट में आपको आपकी इन्वेस्टमेंट की ROI, रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट काफी अच्छा मिलने वाला है, क्योंकि इस एरिया का ये प्रोजेक्ट काफी यूजफुल और रेंटल इनकम के लिए काफी हद तक ठीक माना जाता है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के आसपास जितने भी प्रोजेक्ट आने वाले हैं वो काफी ज्यादा प्राइस में लॉन्च होने वाले हैं, जिसकी वजह से आपकी ROI में काफी ज्यादा असर देखने को मिलेगा। दोस्तों, और भी ज्यादा फैक्ट हैं इस प्रोजेक्ट के, अगर आप और गहराई में जानना चाहते हैं उसके लिए आप हमसे कंसर्न कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के नेगेटिव फैक्ट के बारे में, जैसे ये प्रोजेक्ट किन लोगों के लिए नहीं है और आपकी इन्वेस्टमेंट किस तरह से ग्रो करेगी। बात करते हैं नेगेटिव फैक्ट नंबर 1, मिडिल क्लास। दोस्तों, ये प्रोजेक्ट मिडिल क्लास के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसमें जो इन्वेस्टमेंट शुरू होती है वो 1.40 करोड़ से शुरू होती है, जो एक आम इंसान की पॉकेट से बिल्कुल ही बाहर है। फैक्ट नंबर 2, लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट। ये प्रोजेक्ट एक शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है। इस प्रोजेक्ट में अगर आप एक अच्छा रिटर्न लेना चाहते हैं तो आपको आपकी इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टाइम तक होल्ड करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको एक अच्छी इनकम हो सकती है। बात करते हैं दोस्तों फैक्ट नंबर 3 की, रेड का पड़ना। दोस्तों, जैसे ही इस प्रोजेक्ट में लो राइज लॉन्चिंग हुई उसी टाइम ईडी की रेड पड़ गई, जिसकी वजह से ज्यादातर लोग इस प्रोजेक्ट पर अपना ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन रेड के चलते इस प्रोजेक्ट में किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं आई। बात करते हैं फैक्ट नंबर 4 की, एम्प्लॉयमेंट। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट के आसपास अभी एम्प्लॉयमेंट बिल्कुल कम है, जिसकी वजह से आपके प्रॉपर्टी को रेंट आउट करने में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। बात करते हैं दोस्तों फैक्ट नंबर 5 की, अंडर डेवलपमेंट एरिया। दोस्तों, जैसे ही कोई सेक्टर अंडर डेवलपमेंट में आता है उस एरिए की डेवलपमेंट होने में टाइम लगता है। अगर आप ये सोचते हैं कि आज आप अंडर डेवलपमेंट एरिए के अंदर प्रॉपर्टी लेने जाते हैं और वो एरिया कुछ टाइम के बाद डेवलपमेंट हो जाएगा, जिससे आपकी प्रॉपर्टी के जो दाम है वो 2 गुना हो जाएंगे, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है। फैक्ट नंबर 6, न्यू डेवलपर इन कंस्ट्रक्शन लाइन। नेगेटिव फैक्ट एक और हो सकता है, वो है न्यू डेवलपर का होना। इस डेवलपर का ये दूसरा प्रोजेक्ट है, इससे पहले इसने कोई भी प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं किया है, जिसकी वजह से ये कहना मुश्किल है कि ये प्रोजेक्ट को किस तरीके से डेवलपमेंट करेगा। दोस्तों, आपने जाना पॉजिटिव फैक्ट और नेगेटिव फैक्ट क्या क्या है। दोस्तों, अगर आप इस प्रोजेक्ट के बारे में और बारीकी से समझना चाहते हैं आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। दोस्तों, आज हमने इस प्रोजेक्ट की सिर्फ नेगेटिव और पॉजिटिव फैक्ट्स के बारे में जाना है, क्योंकि लेआउट, पेमेंट प्लान और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं
जिसके वजह से हम वीडियो के अंदर आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। ये फैक्ट हमने इसलिए बताए हैं क्योंकि ये जो फैक्ट हैं ये बड़े गहरे फैक्ट हैं। इन्हीं फैक्ट की वजह से आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो ग्रो कैसे करेगी और क्या क्या इसके अंदर आपकी रिक्वायरमेंट आती है, वो सारे फैक्ट इस आपकी रिक्वायरमेंट के अंदर सूट होते हैं। तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट, आपके नेगेटिव पॉजिटिव फैक्ट अगर आपको सूट हो रही हैं तो आप इसके अंदर बुक कर सकते हैं, क्योंकि इनका लग्जरी जो कंसेप्ट है, लग्जरी हाई राइज अपार्टमेंट आने वाले हैं। तो लो राइज इन्होंने 1 से 1.5 महीने पहले लॉन्च कर दिया था, अभी ये प्लानिंग कर रहे हैं हाई राइज अपार्टमेंट लॉन्च करने की। तो हाई राइज अपार्टमेंट में के अंदर बड़े साइज है 3 और 4 BHK के। अगर आप इसकी पूरी डिटेल लेना चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसके अंदर आपको डिटेल मिल जाएगी। हमने अपने इन्वेस्टरों को इस प्रोजेक्ट के अंदर टाइम से पहले ही इन्वेस्ट करा दिया है ताकि उनको आने वाले टाइम के अंदर एक अच्छा रिटर्न मिले। तो दोस्तों मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, ऐसे ही न्यू अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आप तब तक ऐसे ही खिलते रहिए, फूलते रहिए और इंजॉय के साथ कमाते रहिए। धन्यवाद।